आदिम जाति सेवा सहकारी समिति द्वारा संचालित राशन दुकान को लेकर मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कम तोलने की शिकायत को लेकर कल जहां ग्राम में ग्रामीणों ने विरोध किया था, तो वहीं आज मंगलवार को जनसुनवाई खरगोन में ग्राम बरुड़ के कई महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा जिला कलेक्टर को शिकायत की गई और उन्हें आवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया कि ग्राम बरुड़ में राशन की दुकान में कम तोलने व सेवा सहकारी समिति बरुड़ में फर्जी नियुक्तियां संबंधित शिकायत की गई। इसी के चलते जिला कलेक्टर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इस पर कार्यवाही होगी। वहीं इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त सहकारिता अधिकारी अमरीश वैद द्वारा बताया गया कि बहुत जल्द इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही कर दोषियों को तत्काल पद से पृथक किया जाएगा। वहीं ग्राम में राशन की दुकान का उपकेंद्र भी खोला जाएगा। इस अवसर पर बरुड़ पत्रकार संघ के सभी साथी उपस्थित थे। बरुड़ से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। किस संबंध में आप आज यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय कंट्रोल गाँव में चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, हमारी बहुत परेशानी रह, गाड़ी बिल्कुल मोटर वाला बैठाड़ो नहीं हमको, बहुत परेशानी थी हमारी। कंट्रोल दुकान गांव से कितनी दूरी पे? 2 किलोमीटर। क्या चाहते हो तुम? हमको गांव में चाहिए कंट्रोल, और हमको 5 इंसान को तो चार ही लोगों को अनाज मिली। आप तो राशन बराबर दिया जा रहा नहीं, 2 महीना हुई का नाम कटी को बीच में, चोरो 9 साल को नाम बीच में क्यों कटी? सब आधार कार्ड भी दिए थे, अंगूठा भी लगे थे, कारण है तो क्यों कई लपड़ो जी काम। क्या नाम है आपका? जानकी भाई गांगले। सर, ये टांडा बरूड़ में आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था द्वारा राशन कार्ड की दुकान के संबंधित लगातार शिकायतें मिल रही है, और आज जिला कलेक्टर के पास भी कई महिलाएं गई थी, इस संबंध में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, आज आप पत्रकार बंधुओं ने जिन मुद्दों पर मेरा ध्यान आकर्षित किया है वो निश्चित ही बहुत गंभीर है, और जो ज्ञापन आपने दिया उसकी कॉपी में जो तथ्य उनको पढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि निश्चित ही सबसे पहले हमें वितरण व्यवस्था सुधारनी होगी। इसके बाद जो आपको उन्होंने बताया गया कर्मचारियों की भर्ती में गड़बड़ हुई है उसकी जांच करनी होगी, और हम अन्य विकल्प पर विचार करेंगे कि दुकान को वहां पर शिफ्ट कर सकें या एक और केंद्र खोल सकें। जैसा कि आपने कहा, मुझे कुछ समय दें ताकि मैं पूरी तथ्यात्मक जांच जहां तक होगा मैं खुद ही करूंगा। क्या नाम लिखते सर आप? मैं सहकारिता में डिप्टी कमिश्नर हूँ, अम्बरीश वैद्य। ओके सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।